आज कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर शहर के विकास हेतु मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि भागलपुर शहर में अवस्थित भारतीय स्टेट बैंक का आंचलिक कार्यालय विगत 39 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत है। आंचलिक कार्यालय के अंतर्गत कई जिलों की SBI शाखाओं को रखा गया है, परंतु इस आंचलिक कार्यालय का विलय पूर्णिया में करने का निर्णय लिया गया है, जिसका हम सभी शहरवासी विरोध करते हैं। भागलपुर शहर की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए भागलपुर में SBI के आंचलिक कार्यालय को बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने अंगिका भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता के संबंध में स्मार्ट सिटी और भागलपुर में हवाई सेवा शुरू करने के संबंध में अपनी बातें रखी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि यहाँ जो स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस 35 से 38 साल करीबन यहाँ पे इस्टेब्लिश था, यहाँ पे चल रहा था, जिसमें कि बहुत सारे जिला को ऐड किया हुआ था। सडन एक इन लोगों ने पूर्णिया में यहाँ से बंद करके पूर्णिया में ले जाने की बात की। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि पटना के बाद अगर कोई सबसे डेवलप्ड जिला है तो वह भागलपुर है। यह बहुत हास्यास्पद लगा और हम लोग इसके चाहते हैं कि यह यहाँ से नहीं जाए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, माननीय उप मुख्यमंत्री को भी मैं पत्र लिख के मिल के आया हूँ, उनसे आग्रह किया हूँ, चूँकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि यह रीजनल ऑफिस यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जाने के बाद यहाँ देखिए कृषि महाविद्यालय है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर सिल्क इंडस्ट्री है, रेशम की उद्योगें हैं, यहाँ पर कतरनी चावल विश्व में जाता है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, तो किसान यहाँ पे केला खेती है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगने की बात होगी। तो आखिर ये रीजनल ऑफिस हटा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के व्यापारियों के साथ बिल्कुल आप सही काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि यह रीजनल ऑफिस यहाँ रहे ताकि भागलपुर जिला का जो विकास हो रहा है वो और आगे बढ़े। चूँकि अंगिका हमारी भाषा, हम लोगों ने माँ से जब घर में हम लोग बात करते थे एक ही बेटा कहाँ खेलें कि नहीं खेलें की करे छे, तो हम लोग यही भाषा है, हम लोग का भाषा है, तो हम लोग चाहते हैं जो हमारा पैटर्नल भाषा, जो 3 करोड़ से ऊपर लोग अंग भाषा बोलने वाले हैं, तो हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह भी करते हैं इसको भी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और सभी लोग मानव श्रृंखला में आए ताकि इस पर ताकत मिले कि सरकार इसको माने। 40 वर्ष पहले यहाँ से छोटे हवाई सेवा चलती थी। मैं बहुत कम से कम 7-8 बार मेरी आवाज़ विधानसभा में उठ चुका है, लेकिन लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैंने इस बार पिछले विधानसभा में बोला था कि आप गौराडी में गौशाला की ज़मीन है, आप एक्वायर करके उसको बनाइए। हवाई सेवा का मतलब नहीं है कि उससे घूमने लोग जाएंगे, उससे यहाँ का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री लगेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, और कोई अगर आकस्मिक कोई बीमार पड़ जाए तो निश्चित तौर पर उसके इलाज के लिए वो जो यहाँ इलाज नहीं है बाहर जा सके। तीसरा मुद्दा है, हम लोग देख रहे हैं कि नगर निगम में जो हालत है, आज किसी भी पार्षद की कोई बात नहीं चलती। आप जब काउंसिलर जीतते हैं, पार्षद जीतते हैं, जनता वोट देके जिताती है, वो उनका उस वार्ड का प्रतिनिधि होता है। आप दिल्ली में, बॉम्बे और भी कई राज्यों में सभी पार्षदों के फंड होते हैं, जनता अगर कोई काम कहा तो वो कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ के पार्षद को 1 रुपया भी फंड नहीं है बिहार में जो कि कोई काम कर सकते हैं। तो मैं आग्रह इस बार विधानसभा भी करने जा रहा हूँ और आपके माध्यम से हर पार्षद को कम से कम 50 लाख, जैसे बॉम्बे में हर काउंसिलर को 2 करोड़ रुपया है, इसलिए यहाँ भी 50 लाख होने से क्या होगा, जनता कुछ भी काम कहेगी वार्डों में तो वह पार्षद कर सकेंगे। पर हम लोग धरना पे बैठेंगे, चूँकि एक हम लोग का लोकतंत्र में धरना भी एक माध्यम होता है ताकि आवाज़ मेरी वहाँ तक जा सके। इसलिए हमारे कांग्रेस के लोग जनता के साथ मिलकर, क्योंकि जनता के बिना हम कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं इसलिए पूरे जनता के साथ हम परसों धरना पर बैठेंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे ताकि ये सब पर काम जो हमने कहा है उसको हो। आप कुछ पूछ रहे थे सर, ये सब बातें के मुख्य तौर पर हमने बुलाया था और स्मार्ट सिटी जो 15 में चयनित हुआ आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से आपके माध्यम से भी आग्रह करूँगा और आपकी आवाज़ वहाँ तक जाए, जो भी पदाधिकारी काम में ढिलाई बरत रहे हैं, स्मार्ट सिटी और जगह काम चल रहे हैं, पटना हो
या और कोई जगह वहाँ काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं चला। भागलपुर में मैट्रिक परीक्षा का महाकुंभ आज से शुरू हो गया। पूरे भागलपुर जिले में 57 केंद्र बनाए गए हैं। पहली और दूसरी पाली में भी विज्ञान की परीक्षा ली गई। मैट्रिक परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। वहीं केंद्र के आसपास धारा 144 लगाया गया है। भागलपुर शहर में 5 आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं मैट्रिक की परीक्षा में 45,000 परीक्षार्थी के होने का अनुमान है। बहुत अच्छा हुआ। कैसा आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ। क्या उम्मीद? मस्त जाओगे? हाँ। बढ़िया ठीक है। क्या नाम हुआ? पुष्पा कुमारी। बहुत अच्छा जा रहा है। क्या उम्मीद? उम्मीद तो है। सेंटर कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत निजी था जी। कौन सा एग्जाम था? साइंस का। कौन से स्कूल से? बहादुरपुर। एग्जाम कैसा गया? आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई। दूसरी ओर मैट्रिक परीक्षा के वीक्षण कार्य से जिले के करीब 9,000 नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए। वहीं नाथनगर प्रखंड इकाई के शिक्षक बीआरसी में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे। शिक्षक ने बताया कि हमारी मांगों पर सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन जो हमारी बहुत दिनों से राज्य संगठन के द्वारा बार बार विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये सरकार को लिखित रूप में दिया गया। वर्तमान समय में भी बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा राज्य सरकार को विभाग को लिख करके दिया गया कि हमारी जो मांग है समान कार्य के लिए समान वेतन वो जल्द से जल्द दें, नहीं तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। हम शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य को बंद करेंगे, सभी विद्यालयों को बंद कर हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन सरकार ने अपना तानाशाही रवैया अपनाया और आज तक किसी भी प्रतिनिधि से बात नहीं करने का काम किया। करते हैं कि जितना जल्द हो सके सरकार जल्द से जल्द जो हमारी वाजिब मांग है, संवैधानिक मांग है, उस मांग को पूरा करे। और अब तो हम लोग निर्णय लेकर के आए हैं कि चाहे वो कोई भी हम लोग के ऊपर कार्रवाई जितना करना है कर ले, लेकिन तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगों को मांग नहीं ली जाती है। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों की छात्र छात्राओं द्वारा पीजी में एमएससी फिजिक्स एवं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 सत्र 2018-20 के रिजल्ट के सुधार को लेकर धरना दिया गया। इस धरना में छात्रा काजल चौधरी ने कहा कि हम लोग 2 महीने से रिजल्ट सुधार के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, हमें केवल आश्वासन ही मिल रहा है, हमें आश्वासन नहीं रिजल्ट चाहिए। हम लोगों की मांग है कि पिछले 2 महीने से हम लोग लगातार यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं और केवल आश्वासन मात्र ही दे दिया जा रहा है और रिजल्ट में सुधार नहीं किया जा रहा है, जो कि हम लोग को 28 नंबर दे के प्रमोटेड कर दिया गया है। हम लोग का मांग है कि 5 नंबर ग्रेस देकर इसको जल्द से जल्द सुधार किया जाए और इस हम लोग का रिजल्ट पूर्ण रूप में तैयार करके दे दिया जाए। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। वहीं अंग क्रांति सेना के बिहार संयोजक शिशिर रंजन सिंह ने कहा कि पीजी के सभी छात्र छात्राओं का पेंडिंग रिजल्ट में सुधार कर पास कर दिया जाए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों 2018-20 के छात्र छात्राओं का रिजल्ट से पहले पढ़ाई पुराने रेगुलेशन के आधार पर विभाग ने करवाई और वहाँ के शिक्षकों और विभागाध्यक्षकों को भी पता था कि पुराने रेगुलेशन के आधार पर कॉपी जांच किया जाएगा और उसी आधार पर उन्होंने पासिंग मार्क्स 28 था वो दे दिया। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट में नया रेगुलेशन
के नियम का हवाला देते हुए 28 के जगह पे 32 नंबर पास मार्क्स रख दिया, जिससे कि तमाम छात्र छात्राएं, आधे से अधिक छात्र छात्राएं फेल हो गए। हमारी मांग ये है कि एमए एमएससी के जितने भी छात्र छात्राएं 28 मार्क्स लाकर पास किए हैं उनको 31.5 नंबर ग्रेस देकर 18-20 के छात्र छात्राओं को पास कर दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर विभिन्न विभाग के छात्र और अंक्रांति सेना बिहार इस धरना को समर्थन करते हुए बैठा है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर टीएनवी लॉ कॉलेज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रो वीसी रामरतन प्रसाद को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि टीएनवी लॉ कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल कूद के लिए जमीन की कमी, चार दीवारी का निर्माण, ई लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति आदि मांगे रखा गया। इस संबंध में टीएनवी लॉ कॉलेज के छात्र ने बताया कि लॉ कॉलेज को जल्द से जल्द जमीन आवंटित कराया जाए और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लॉ कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रोफेसर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। इसका मकसद लॉ कॉलेज में जल्द से जल्द जमीन आवंटित कराया जाए ताकि आने वाला भविष्य लॉ कॉलेज को एक बेहतर मोड़ दे सके। बगल में ट्रांसपोर्ट की जमीन है, अगर वो लॉ कॉलेज को मिल जाता है तो आने वाला समय एक नेशनल लॉ कॉलेज के रूप में हम लोग के सामने आएगा। और इसी प्रकार से हॉस्टल, खेल के मैदान जैसे विभिन्न प्रकार की समस्या की पूर्ति किया जा सकता है। भागलपुर के गौशाला प्रांगण में बीते रविवार की रात मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी गीत के गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने गीत पर शहरवासियों को खूब झुमाया। इस भोले नाइट कार्यक्रम में शहर के हजारों लोग भक्ति की रसधारा में डूबे रहे। तो आप भी देखिए गायक हंसराज रघुवंशी के गायक गानों की झलकियां। काले असर पावाड़ा मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा किधर कैलाशा तेरा तेरा बाजी। बोल बोल नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। नर नारे झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भाजपा में महाविलय को लेकर रांची के तारा मैदान होने वाले महाविलय कार्यक्रम में साहिबगंज से हजारों कार्यकर्ता रांची के लिए रवाना हुए।
वहीं जेवीएम के जिला अध्यक्ष चंद्रभान शर्मा ने कहा कि झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भाजपा में विलय होने का निर्णय लिया, जो आज रांची के तारा मैदान में होने वाला है। कार्यक्रम में हम लोग हजारों की संख्याओं में कार्यकर्ताओं बड़ी खुशी के साथ जा रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा का विलय बीजेपी में होने जा रहा है, जिसका 17/2/2020 को रांची के प्रभात तारा मैदान में महामिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड विकास मोर्चा के लाखों लाख कार्यकर्ता 2600 जिला से पहुंचेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, ओम माथुर जी और बड़े बड़े पदाधिकारी मंच मोर्चा के सभी सदस्य वहाँ बाबूलाल जी के मिलन की बेला में उपस्थित रहेंगे।